बालिका दिवस पर जबलपुर के भंवरताल गार्डन में राष्ट्रीय सेवा योजना और आगाज इंटर्नशिप द्वारा रंगोली का आयोजन किया गया। इस आयोजन में संस्था के कार्यकर्ताओं द्वारा शानदार रंगोली के माध्यम से बाल संरक्षण का संदेश दिया गया। रंगोली के माध्यम से बताया गया कि बाल मजदूरी को कैसे रोका जाए और छोटे बच्चों को कैसे शिक्षा के लिए प्रेरित किया जाए। संस्था के कार्यकर्ताओं का कहना है कि वो जगह जगह जाकर बाल संरक्षण के लिए कार्य कर रहे हैं और बाल मजदूरी को रोकने के लिए सतत प्रयास कर रहे हैं। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। नमस्कार, जय हिंद सभी को। मेरा नाम दीक्षा चौरसिया है और मैं जबलपुर में रहने वाली हूँ और मैं राष्ट्रीय सेवा योजना की स्वयं सेवक हूँ और हाल ही में मैं आगाज इंटर्नशिप के लिए चयनित हुई हूँ जबलपुर ज़िले से, जिसमें हम बाल संरक्षण के लिए कार्य करते हैं। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि हमारे सभी साथियों ने मिलकर आज भंवरताल गार्डन में रंगोलियाँ बनाई गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य है क्योंकि आज बालिका दिवस है और बाल संरक्षण के साथ में मिलकर हमने ये रंगोली तैयार की है। साथ में मिलकर हम ये संदेश देना चाहते हैं कि बच्चों को हम बढ़ावा दें, उन पर अत्याचार ना करें और उनके खिलाफ जो भी हिंसा होती है, जितने भी उनके खिलाफ अत्याचार होते, तो उनको रोके और हम सब मिलकर एकजुट होएं और सर्वश्रेष्ठ नागरिक होने का कार्य करें। और ये सभी मेरे राष्ट्रीय सेवा योजना का परिवार है, ये सभी स्वयंसेवक हैं और जिन्होंने हम सब ने मिलकर ये रंगोली तैयार की है, जिसका मुख्य उद्देश्य ये है कि बेटियों को हम जन्म तो देते हैं पर उनकी इज्जत करना चाहिए हमें, उन्हें शिक्षित करना चाहिए और उन्हें एक अच्छा जीवन देना चाहिए ताकि वो आगे की पीढ़ी को बहुत अच्छा, एक उचित स्तर पर लेकर जाएँ और एक अच्छे भारत का निर्माण करें। सर, मेरे साथ अभी NSS के स्वयं सेवक हैं और मैं राष्ट्रीय सेवा योजना से हूँ और आज के कार्यक्रम में विभिन्न संस्थाएं जो जबलपुर में बाल संरक्षण के लिए बहुत अच्छे अच्छे कार्य कर रही है, जैसे कि रॉबिन हुड आर्मी, रोटी बैंक और नेहरू युवा केंद्र, नेहरू युवा संगठन जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के अंदर आता है, NSS और युवा दर्पण, रोटरी क्लब, जी काफ़ी संस्थाएं हैं, डे फाउंडेशन है, अहम इक्षान है, NGO प्रोजेक्ट फ्लैश लाइट्स है, ऐसे काफ़ी NGO है जो बहुत अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं जबलपुर में बच्चों को लेकर, जो बस्तियों के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। मैं खुद ही बस्तियों में जाकर बच्चों को गुड टच बैड टच जैसे टॉपिक्स पे अवेयरनेस क्रिएट करती हूँ ताकि बच्चे सुरक्षित रहे। तो बस यही मेरा मुख्य उद्देश्य था और मुझे बहुत ही अच्छा सहयोग मिला है जबलपुर के जितने भी पुलिस थाने थे, उन्होंने मुझे परमिशन दिया, यहाँ के जितने भी पब्लिक थे उन्होंने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है, तो मैं बहुत खुश हूँ और मैं चाहती हूँ कि जो मैसेज मैं इस रंगोली के थ्रू देना चाहती थी वो सब लोगों तक पहुँचे और लोग इस सीख को अपने जीवन में आजमाएं। धन्यवाद। दीक्षा चौरसिया।